देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है, और जिस तरह का रिस्पांस माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज में, माननीय गृह मंत्री जी के सारे रोड शो और उनकी सभाओं में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सभाओं में मिल रहा है, जनता में जिस तरह का उत्साह है, और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्नाटका के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई योजनाओं को जिस तन्मयता के साथ में और जिस बखूबी धरातल पर उतारा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। राजस्थान में भी इस साल चुनाव है, दावा किया जा रहा है योजनाओं के जरिए सरकार रिपीट होगी। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का एब्सोल्यूट फेल्योर हुआ है, वो उतना ही अवश्यंभावी है जितना कल सुबह सूर्योदय पूर्व से होगा, ये जितना अवश्यंभावी है उतना ही। देखिए, आप निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, रोड, रेल, हाईवेज में जिस तरह से काम हुआ है, उन सब के उद्घाटन अब राजस्थान में होने वाले हैं, और ये क्रम आने वाले समय में शीघ्र प्रारंभ होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक टेंटेटिव प्रोग्राम आबू रोड में, जब वो गुजरात के चुनाव के समय आबू रोड आए थे, लेकिन विलंब से हो जाने के कारण से, 10 बजे से लेट होने के कारण उन्होंने मर्यादा का पालन किया, और उन्होंने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होने के बावजूद भी उन्होंने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना की थी कि मैं विलंब हो जाने के कारण से आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, और वादा करता हूँ कि शीघ्र आप लोगों के बीच में आऊँगा। मुझे लगता है कि शीघ्र ही आने वाले कुछ दिनों में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम तय होने वाला है।